और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है ह्यूस्टन से। ह्यूस्टन की पुलिस चीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो अपनी जबान कम से कम बंद रखें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। Let me just say this to the President of the United States on behalf of the police chiefs in this country. Please, if you don't have something constructive to say, keep your mouth shut. Please, if you don't have something constructive to say, keep your mouth shut. दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक मारपीट करोगे जूते इतने मारूंगा, भूल जाएगा नौकरी करना। मैं ये थाने अंदर कह रही हूँ, निकलाई बाहर को, नाम सिलेंडर होता नहीं है। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा कोतवाली में बैठकर पुलिस वालों को ही जूतों से मारने की धमकी दे रहे इस व्यक्ति का नाम है शिवेंद्र गुप्ता। गुप्ता जी बीजेपी के नेता हैं और नगर अध्यक्ष भी। कल के बाद मैं देखूंगा इसको। आया तो क्या, पहले ट्रेन नहीं किया गया था कई लोगों को, जो लोग बताया बाहर से आए थे, ज्ञान बांटता है तू। और तुझे से एडमिन लगा, ये नहीं हो सकता, ये साहब इसके चक्कर में नहीं बैठेंगे यहाँ पे। तू मेरी तरफ आखी ना देख, तू मेरी आखी तरफ आखी तरफ मेरी देख, तू मेरी हेड लिस्ट पे है, हेड लिस्ट है तो जो करना हो कर लेना। तुझको मैं बता रहा हूँ, कल के बाद गलत बात है, कल के बाद तुमको मैं बताऊंगा। मेरठ में बीजेपी नेता की सरेआम गुंडागर्दी देखी। पहले तो कोतवाल को एक समर्थक ने धमकाया, फिर नेता ने भी पुलिस को उसकी औकात बतानी शुरू कर। In Guna, Madhya Pradesh, a cop was beaten up by the husband and family members of a local BJP leader for carrying out a drive against those driving without helmets. Now, the trouble began when three girls belonging to the family of Shobhna Raghuvanshi, the BJP block president, were stopped by the cops. The leader's husband, Rajiv Raghuvanshi, arrived on the spot with his supporters and began arguing. A scuffle broke out where you can see one cop pushed to the ground during that fight. There you can see the cop is on the ground after a scuffle with the family members of that BJP leader in a case. Jab baat ko jawab ko dego! Jab baat ko jawab ko dego!